सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डी के। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आप देखोगे भी काफ़ी टाइम से जो शेयर है वो आपको एक प्राइस के आसपास 32 रुपये के भाव के आसपास आप देखोगे कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे में पब्लिक के सवाल आ रहे हैं क्या क्वार्टर फोर से पहले स्टॉक को खरीदना सही रहेगा, या फिर जो इसके कल के क्या लेवल्स रहने वाले आपको डिटेल में बताएंगे, और हमें क्या करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर वो भी आपको बताएंगे। अगर बात करें क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की तो आपको पता होगा भी 18 मई को, ठीक है, 18 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टर फोर के जो आंकड़े हैं वो पब्लिश करेगी। अगर आपको क्वार्टर फोर रिजल्ट्स देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई, जैसे रिजल्ट्स आएगा उसका वीडियो हम हमारे चैनल पर डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कल के क्या लेवल्स रहेंगे। स्टॉक तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है एक प्राइस के आसपास ही, लेकिन हमें क्वार्टर फोर से पहले क्या खरीदना चाहिए, या फिर जो क्वार्टर फोर से पहले अगर होल्डिंग है तो बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हमें आज के दिन आपने देखा होगा क्या मूवमेंट्स बनते नजर आए हैं। हाई जो स्टॉक ने लगाया है 32 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया, और लो आज के दिन आपको 32 रुपये 5 पैसे देखने को मिला है। और यहाँ पर आपको जो एम ऑर्डर देखने को मिल रहा है तकरीबन 41,768 क्वान्टिटी सेलिंग के लिए लगी नजर आई है भाई, ठीक है, सेल ऑर्डर आया स्टॉक के अंदर। और डिलीवरी पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो डिलीवरी पोजिशन आज के दिन का देखने को मिला है 42.23% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखोगे भी 28,98,000, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है 12,24,000 के आसपास। तो आप देखोगे डिलीवरी काफ़ी शानदार उठी है, तो यहाँ से शेयर में एक आपको अलग ही वाइब देखने को मिल रही है भी, डिलीवरी अच्छी उठ रही है, बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक को नीचे के लेवल से उठा रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर उठा रहे हैं, और आप देखोगे FIDI भी यहाँ पर खरीदारी कर रही है, तो हम लोग पीछे क्यों हटें। और आपने देखा होगा जो क्वार्टर फोर के इसके आंकड़े आए थे पीछे, ठीक है, कंपनी ने बात ला लेना और उनका जो अभी प्रोडक्शन अपना बताया था कंपनी के द्वारा, तो उसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ से शेयर के अंदर आपकी होल्डिंग है तो अच्छी बात है, होल्डिंग बनाए रखिए। अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो देखो भाई अभी क्वार्टर फोर का वेट कीजिए, ठीक है, जो न्यू बायर्स स्टॉक में आना चाहते हैं उन्हें क्वार्टर फोर का वेट करना चाहिए, और जो नए जो पहले से जिनकी होल्डिंग है वो अपनी होल्डिंग बनाए रखो, ठीक है। तो चलिए आपको नीचे में स्टॉप लॉस वगैरह क्या लेके चलना है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक जहाँ पे काफ़ी टाइम से आपको कंसोलिडेट करते नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखो कि स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 32 रुपये 80 पैसे, नीचे में सपोर्ट है 30 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। इस प्राइस के बीच में आप देखोगे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है शेयर आपको, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप देखोगे ऊपर में ट्रिपल टॉप बनाए तो यहाँ से स्टॉक में फॉल भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया तो स्टॉक में तेजी भी बनी है। तो यहाँ पर सभी चार्ट पैटर्न इसके अंदर जो अभी यूज़ हो रहे हैं, बट आप लोग यहाँ पर जो अभी थोड़ा सा एक अच्छा अगर व्यू डालकर स्टॉक में चलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म वाले जो भी स्टॉक में घुसे हुए हैं, ठीक है, क्वार्टर फोर का आप लोग वेट कर रहे हो तो आपको 30 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है, और जो शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने स्विंग ट्रेड के लिए या फिर जो आप देखोगे इंट्राडे के लिए जो इसके अंदर चलना चाहते हैं उन्हें 31 रुपये 20 पैसे का SL स्टॉक में पुट करना चाहिए। तो ये लेवल्स इसके बन रहे हैं, 31 रुपये 20 पैसे है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं भाई उन्हें अभी क्वार्टर फोर से पहले मैं बोल रहा हूँ 30 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, ठीक है। अगर 30 को काटेगा तो नीचे में स्टॉक को सेल कीजिए, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा मौका होगा नीचे के लेवल से बाइंग करने का। क्वार्टर फोर के बाद आप देखोगे अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक में गुड तेजी बनते नजर आएगी, एक शानदार तेजी बनेगी। तो यहाँ से जो ना सभी मूवमेंट्स बने हुए हैं, आई थिंक आपको जो ना अभी होल्डिंग में चलना चाहिए, और जो न्यू वायर है उन्हें क्वार्टर फोर का वेट करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।